हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 30 सॉल्व करेंगे। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। ए और बी की वैल्यू आपको फाइंड करना है सच दैट द फंक्शन डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स। कैसे डिफाइंड है उसको सुनो। एफ ऑफ एक्स आपका 5 होगा इफ़ एक्स इज लेस आर इक्वल टू 2। एफ ऑफ एक्स आपका ए एक्स प्लस बी होगा यदि एक्स ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 10। एफ ऑफ एक्स आपका 21 होगा इफ़ एक्स ग्रेटर देन 10। ठीक है, आपका जो एक्स है ये है क्या, ये डोमेन का मेंबर है। ठीक है, तुम देख रहे हो कि आपका एक्स 2 के पहले यहाँ पर लिखा गया है एक्स इज लेस आर इक्वल टू 2, यानी कि एक्स आपका बिलोंग करेगा 2 के पहले। ठीक है, यहाँ पर एक्स बिलोंग करेगा 2 और 10 के बीच में, यहाँ एक्स बिलोंग करेगा 10 के आगे और 10 से लेकर 10 के आगे। कहने मतलब एफ एक्स का जो डोमेन है वो सेट ऑफ रियल नंबर है। ओके, और आपका फंक्शन कंटिन्यूअस है मतलब जो डोमेन है उसके प्रत्येक पॉइंट पर कंटिन्यूअस है। डोमेन के अंदर जितने पॉइंट है सब पर कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो चलो हम लोग इसका जो डोमेन है R उसको नंबर लाइन के द्वारा दिखाते हैं। ये आपका है रियल लाइन, रियल लाइन भी बोलते हैं, नंबर लाइन भी बोलते हैं। ठीक है, और इस यहाँ पर माइनस इन्फिनाइट, इधर प्लस इन्फिनाइट, माइनस इन्फिनाइट से लेकर प्लस इन्फिनाइट तक आपका डोमेन है। ये आपका R माइनस इन्फिनाइट टू प्लस इन्फिनाइट। ठीक है, फंक्शन आपका इसके सभी पॉइंट पर डिफाइंड है। डिफिनीशन कैसे बदल रहा है उसको सुनो, इसका फंक्शन की डिफिनीशन कैसे बदल रहा है। 2 के पहले आपका 5 है, 2 और 10 के बीच में आपका ax प्लस b है और 10 के आगे आपका 21 है। ठीक है, फंक्शन कंटिन्यूअस है जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है, मतलब डोमेन के अंदर जितने पॉइंट हैं सब पर कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो निश्चित रूप से 2 पर भी है, 10 पर भी है। ठीक है, इस बात को लिखो, सिंस एफ इज कंटिन्यूअस, एट एक्स इज इक्वल टू 2। ठीक है, 2 पे कंटिन्यूअस है, देयरफॉर अब 2 पर जो वैल्यू ऑफ फंक्शन होगा वह आपका इक्वल होगा लिमिट के, लिमिट एफ ऑफ एक्स, किस पॉइंट लिमिट निकालेंगे, 2 पर। ठीक है, अब चलो हम लोग एफ ऑफ 2 देखते हैं किसके इक्वल आएगा वैल्यू ऑफ फंक्शन। यहाँ पर तुम देख रहे हो जब x इज इक्वल टू 2 है तो फंक्शन की वैल्यू 5 है। ठीक है, तो यहाँ से x इज लेस आर इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 पर 5 है और जब x की वैल्यू 2 से कम है तब भी 5 है। ठीक है, इक्वल के केस में वैल्यू ऑफ फंक्शन निकल आएगा, लेस के केस में लिमिट निकल आएगा, यानी कि यहाँ से लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट भी 5 होगा और वैल्यू ऑफ फंक्शन भी 5 होगा। ठीक है, तो ये तो आ गया 5।
एफ ऑफ टू आपका 5 आ गया। अच्छा यहाँ देखो 2 के पहले 5 है और 2 के आगे ax प्लस बी है, कहने मतलब तुमको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों फाइंड करना होगा। तो चलो अब यहाँ पर हम इसको लिखते हैं, दैट इज आप लिखें इसको इस तरीके से, लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एफ ऑफ एक्स, ये तो लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया, इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 2 प्लस आपका फंक्शन एफ ऑफ एक्स, दोनों इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा? कंटिन्यूअस है इसलिए। अब देखो जब आप x टेंस टू 2 माइनस, इसका क्या मतलब है x टेंस टू 2 माइनस, यहाँ आपका 2 है, 2 माइनस का मतलब है कि आप 2 की तरफ लेफ्ट से जा रहे हैं, तो 2 तो उस समय तुमको फंक्शन मिलेगा 5। जब आप 2 की तरफ लेफ्ट से जाओगे उस समय आपको फंक्शन 5 मिलेगा। तो यहाँ पर लिखें लिमिट, जब आप x आपका 2 की तरफ लेफ्ट से जाएगा, इस माइनस का मतलब है लेफ्ट से जाना, उस समय आपको फंक्शन 5 मिलेगा, इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 2 प्लस, अब आप 2 की तरफ जाएं, अब इसके अकॉर्डिंग देखो जब आप 2 की तरफ राइट से जाएंगे, ऐसे राइट से जाएंगे, इसका मतलब है 2 प्लस, तो उस समय देखो जब आप 2 की तरफ राइट से जाएंगे उस समय तुमको फंक्शन क्या दिखेगा, ए एक्स प्लस बी दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ आप लिखेंगे ए एक्स प्लस बी, ये तो राइट हैंड लिमिट हो गया। वैल्यू ऑफ फंक्शन ऑलरेडी पहले से आपने बता दिया है कितना है, 5 है, ठीक है। अब चलो आप यहाँ देखो लेफ्ट हैंड लिमिट, जब x 2 की तरफ जा रहा है उस समय फंक्शन का 5 है तो लिमिट क्या आएगा, 5 आएगा, ठीक है। और राइट हैंड लिमिट कितना आएगा, जब x 2 की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो x 2 की तरफ अप्रोच कर रहा है तो पूरा फंक्शन आपका 2a प्लस बी की तरफ अप्रोच करेगा, 2a प्लस बी, ठीक है। वैल्यू ऑफ फंक्शन आपको पता है किसके इक्वल है, 5 के। यहाँ तुम देख रहे हो लेफ्ट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन दोनों आपस में इक्वल है, और राइट हैंड लिमिट भी इक्वल है 2a प्लस बी के, 2a प्लस बी राइट हैंड लिमिट है, ये भी इक्वल है इसके, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं देयरफॉर 2a प्लस बी इज इक्वल टू 5, यह एक इक्वेशन आपको मिल गया ए और बी के बीच में रिलेशन है, ठीक है। ए और बी के बीच में जो रिलेशन है वो एक इक्वेशन के रूप में तुमको मिल गया। एक इक्वेशन और मिलेगा, यह तो 2 की हेल्प से मिला है। अब आप जैसे यहाँ पर 2 पे कंटिन्यूस आपने लेके चले हैं तो आपको ए और बी के बीच में रिलेशन आ गया। अब ऐसे ही पॉइंट 10 पर, पॉइंट 10 को हम लेके चलेंगे, ठीक है। यहाँ पर बताएंगे कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है, ठीक है। तो नाउ एफ एक्स इज कंटिन्यूस, एट एक्स इक्वल टू 10, आपका फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन है, यानी नंबर लाइन पे जितने पॉइंट हैं सब पर कंटिन्यूस है, ठीक है। तो यहाँ नंबर लाइन पर तुम देख रहे हो केवल 2 ही पॉइंट है, एक 2 है एक 10 है, तो 2 पे बात हो गई, अब 10 पे बात होगी, ठीक है। कंटिन्यूस है इसलिए इसका जो वैल्यू ऑफ फंक्शन होगा 10 पर, वैल्यू ऑफ फंक्शन वह इक्वल होगा लिमिट के, और लिमिट आपका लिखेंगे लिमिट एफ ऑफ एक्स एज एक्स टेंस टू 10, ठीक है। अब देख लो तुम 10 के पहले डिफिनीशन ए एक्स प्लस बी है, 10 के आगे 21 है,
इसका मतलब तुमको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट लिखना पड़ेगा, ठीक है। दैट इज लिमिट एफ ऑफ एक्स एज एक्स टेंस टू 10 माइनस इज इक्वल टू लिमिट एफ ऑफ एक्स एज एक्स टेंस टू 10 प्लस वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ ऑफ 10, ठीक है। चलो अब हम लोग क्रम से देखते हैं एफ ऑफ 10 कितना आएगा, फंक्शन की वैल्यू 10 पर क्या बनेगी उसको देखो। वो यहाँ से निकलेगा, ठीक है। देखो लिखा गया है एक्स इज ग्रेटर आर इक्वल टू 10, यानी एक्स की वैल्यू जब 10 है, एक्स जब 10 इक्वल होगा उस समय फंक्शन क्या होगा 21। कहने मतलब फंक्शन की वैल्यू 10 पर 21 है, तो यहाँ पर ये 21 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो इज इक्वल टू लिमिट, जब आप 10 की तरफ जाएंगे राइट से उस समय फंक्शन क्या पाएंगे, देखो जब आप 10 की तरफ राइट से जाएं, 10 की तरफ राइट से जाएं उस समय फंक्शन आप 21 पाएंगे, तो यहाँ लिखेंगे 21, ठीक है। लिमिट x टेंस टू 10 माइनस, जब आप 10 की तरफ, अब देखें आप 10 की तरफ लेफ्ट से जाएं, 10 की तरफ जब आप लेफ्ट से जाएंगे तो उस समय फंक्शन ए एक्स प्लस बी पाएंगे, तो यहाँ पर आप लिखें एफ एफ एक्स पोजिशन पर ए एक्स प्लस बी, ठीक है। चलो देखते हैं हम, यहाँ देखो जब एक्स 10 की तरफ अप्रोच करेगा, ये 10 की तरफ अप्रोच करेगा तो पूरा फंक्शन आपका 10 ए प्लस बी की तरफ अप्रोच करेगा, 10 ए प्लस बी, ये आपका 21 की तरफ अप्रोच करेगा। ऑलरेडी राइट वैल्यू का फंक्शन 21 पहले से है, ठीक है। अब तुम देख रहे हो 10 ए प्लस बी इज इक्वल टू 21, एक ए और बी के बीच में एक रिलेशन और मिल गया जो इक्वेशन 2 के रूप में है, ठीक है। अब आपके सामने दो इक्वेशन दिख रहे हैं, एक इक्वेशन ये है ए प्लस बी इक्वल टू 5 और एक इक्वेशन है 10 ए प्लस बी इक्वल टू 21। दोनों को आप सॉल्व कर लीजिए, ए और बी की वैल्यू आपको फाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो सबट्रैक्ट करा दीजिए एक और दो, एक में से दो को सबट्रैक्ट करा दीजिए, लिखिए सॉल्विंग 1 and 2 वी गेट, ठीक है। और रफ वर्क हम कर लेते हैं, यहाँ रफ वर्क कर लेते हैं, तो इक्वेशन क्या है 2a + b = 5, 2a + b = 5, ये आपका है 10a + b = 21, सबट्रैक्ट करा देंगे, ठीक है। तो माइनस साइन लग जाती है, ये इसे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ -8a आएगा और 21 में से 5 -16 आएगा, a = आ गया 2, ठीक है। अब a की वैल्यू यहाँ डाल देंगे तो ये हो जाएगा 4, 4 + b = 5, तो b = 1 आ जाएगा, है ना। तो a = आ गया 2 एंड b = 1, ओके। इस तरीके से ये सॉल्व हो गया, क्या हुआ है ज़रा एक बार फिर से सुन लो। यहाँ पर तुमसे 30 क्वेश्चन में आपसे ए और बी की वैल्यू पूछ रहा था, ठीक है। उसने बता दिया कि फंक्शन कॉन्टीन्यूअस फंक्शन है, तो कॉन्टीन्यूअस फंक्शन है इसका मतलब इसका जो डोमेन है उसके जितने पॉइंट हैं डोमेन में सब पर कॉन्टीन्यूअस है। तुमने देखा इसका डोमेन जो है सेट ऑफ रियल नंबर है, कैसे, 2 के पहले डिफाइंड है, 2 10 के बीच में डिफाइंड है, 10 के आगे डिफाइंड है,
मतलब यक्स की वैल्यू हम कुछ भी रख सकते हैं, यक्स की वैल्यू चाहे जो लिया जाए फंक्शन डिफाइंड हो जाएगा। दो के पहले डिफाइंड है, टू टेन के बीच में डिफाइंड है, टेन के आगे डिफाइंड है, यानी कोई पॉइंट ऐसा नहीं छूटा जहाँ डिफाइंड नहीं है, इसलिए सेट ऑफ रियल नंबर। इसी बात को नंबर लाइन पर हमने दिखा दिया और वो दो पॉइंट हमको देखा जहाँ पर डिफिनेशन चेंज हो रही है, एक तो टू पर एक तो टेन पर। ठीक है, तो टू के पहले फंक्शन फाइव है, टू के आगे फंक्शन ax प्लस बी है और टेन के आगे 21 है। तो फंक्शन आपका कंटिन्यूस है, तो इसका मतलब है टू पर भी कंटिन्यूस है, टेन पर है। तो पहले हम लोग टू पर कंटिन्यूस लेकर चले, यहाँ से एक रिलेशन मिल गया ए और बी के बीच में, 2a प्लस बी इक्वल टू 5, जिसे इक्वेशन 1 बोला गया। फिर ठीक ऐसे ही 10 पर कंटिन्यूस हम लोग देखें कि फंक्शन हमारा 10 पर कंटिन्यूस है, तो 10 पर कंटिन्यूस है तो यहाँ से भी एक रिलेशन निकला, वो रिलेशन निकला 10a ए और बी के बीच में, फिर से एक रिलेशन निकला 10a प्लस बी इक्वल टू 21, जिसे इक्वेशन 2 बोला। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व किया गया, ए और बी की वैल्यू आ गई।